दोस्तों आप आधार कार्ड से पैसा जरूर आप निकालते होंगे, चाहे बीसी पॉइंट चाहे किसी अदर कंपनी के एप्लीकेशन से। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए मैं आपको फायदेमंद बोल रहा हूँ। अगर आप आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं तो बीते कुछ दिन पहले आधार कार्ड से पैसे नहीं निकल रहे, जिसको आप कह सकते हैं AEPS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। अगर आप आधार के द्वारा अंगूठे लगा के पैसे निकालते हैं तो उसी को कहते हैं AEPS। सबसे पहले इस बात को समझते हैं AEPS काम कैसे करता है। जैसे कि आप किसी आधार कार्ड को लेके जाते हैं किसी दुकानदार के पास या बीसी पॉइंट के पास जाते हैं, तो आप उनको बोलते हैं मेरे को पैसे निकालना है, तो आप अपना आधार नंबर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट देते हैं, अंगूठा का निशान देते हैं, वो जो भी आपका बैंक है वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो इंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है पैसा निकाला जाता है। निकालने के बाद जो उनके पास कैश पड़ा रहता है वो कैश आपको दे देते हैं और डिजिटली रूप से आपका पैसा वो अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता नहीं खुला है, वो जो है AEPS यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। और जैसे अदर बैंक हो गया, बीसी पॉइंट हो गया एंड अदर बैंक भीम आधार पे होता है जो डिवाइस होता है, तो उससे भी आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। और डिसकंटिन्यू करने का रीज़न क्या है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आधार के द्वारा जो पैसे निकालते हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं। डिसकंटिन्यू इसीलिए किया गया है क्योंकि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा ऐसे बहुत सारे जो जागरूक लोग नहीं है उनके द्वारा फ्रॉड किया जा रहा था, तो यहाँ पे ये भी डिसकंटिन्यू रहेंगे। आधार पे डिवाइस से भी आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे, नहीं आप बीसी पॉइंट से निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा गया है अगर कोई भी कस्टमर AEPS का कैश विड्रॉल चाहते हैं अदर बैंक के लिए, तो आप ब्रांच जाके ये फैसिलिटी आप एक्टिवेट करा सकते हैं। AEPS आप इनेबल कर दीजिए तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगा और ये फैसिलिटी आपको एक्टिवेट भी हो जाएगा, निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बैंक को रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। और नीचे में एक लाइन लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलाया है उनके लिए ये सब कोई भी नियम लागू नहीं होता है, वो बड़े ही आसानी तरीके से आधार कार्ड के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि AEPS के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता नहीं खुलवाया है तो उसके लिए ये लागू होता है, तो अगर आपका खाता जनधन योजना का खुला हुआ है तो आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, जिसका खाता नहीं खुला हुआ वो ब्रांच जाके रिक्वेस्ट देंगे, वहां से आपका AEPS यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम ओपन कर दिया जाएगा, एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो आप आधार के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं। तो उसे आप ये बताइए आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर इसके रिलेटेड और भी कोई अपडेट आते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।